हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देखने वाले हैं कि हमें अगर ऐसा कुछ फ्लेक्सिबल हाउस पाइप क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले एक स्केच तैयार करना है। स्केच लिया, स्केच लेने के बाद आपको प्लान सेलेक्ट करना है जिस पे स्केचिंग करना है। स्केच पे क्लिक कीजिए, ओरिएंटेशन स्टेट कर लीजिए। स्टेट करने के बाद आपको क्या करना है कि एक प्रोफाइल ड्रॉ करना है। प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करेंगे उसके लिए मैं यहाँ आर्क यूज़ कर रहा हूँ। आर्क हमने सेंटर वाले मेथड से क्रिएट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने कहा स्टार्ट पॉइंट यहाँ है, एंड पॉइंट इस तरीके से है कुछ। दोबारा से मैंने आर्क लिया, मैंने कहा मेरा जो आर्क है वो कुछ इसी तरह से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक है। इस तरह से बनाने के बाद मैं लाइन से प्रोफाइल और मॉडिफाई कर रहा हूँ कुछ। इसके बाद मैं फिलेट अप्लाई कर दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि स्मूथ प्रोफाइल बन सके। इसके बाद यहाँ पे मैं क्लोज करना चाहता हूँ, तो इसको क्लोज करने के लिए मैं यहाँ पे वापस से आर्क ऑप्शन यूज़ करता हूँ। थ्री पॉइंट आर्क लिया और मैंने यहाँ इस तरह से क्लोज कर दिया। मुझे टेंजेंशियल क्रिएट करना है। एक साइड से तो टेंजेंशियल है लेकिन दूसरी साइड से नहीं है, तो हम बना सकते हैं। टेंजेंट ऑप्शन लेना है और टेंजेंट ऑप्शन लेने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे वो टेंजेंशियल पोजिशन में आ जाएंगे। अब मैं इस प्रोफाइल को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो वैसे तो इसमें भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं फ़िलहाल छोटा कर रहा हूँ। मैंने कहा मुझे 50% रखना है और डन किया। मैंने स्केच को कंप्लीट करना है। स्केच कंप्लीट करने के बाद फ्लेक्सिबल हाउस पाइप बनाने के लिए हमें स्वीप, बेसिकली स्वीप कमांड यूज़ करना पड़ेगा। स्वीप यूज़ किया। स्वीप के अंदर हमें अप्लाई करना है यहाँ पे अलाउ सेक्शन टू चेंज बेस ऑन पैरामेट्रिक फीचर्स और रिलेशन अलोंग द स्वीप। ये ऑप्शन यूज़ करना है। ये ऑप्शन यूज़ करने के बाद स्केच पे जाना है। जैसे स्केच पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से डिफाइन होगा। हमें क्रॉस सेक्शन क्रिएट करना है। जैसे मैंने कि एक क्रॉस सेक्शन क्रिएट किया। ये क्रॉस सेक्शन क्रिएट करने के बाद हमें बेसिकली इसके अंदर पैरामेट्रिक रिलेशन लगाना होगा। पैरामेट्रिक रिलेशन लगाने के लिए हमें टूल पे जाना है। टूल के अंदर रिलेशन के अंदर आना है। रिलेशन के अंदर किस डायामीटर के अंदर रिलेशन लगाना है उसे सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे SD3 है। इसके बाद इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद हमें लोकल पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। कुछ लोकल पैरामीटर्स कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ से एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे कुछ लोकल पैरामीटर्स क्रिएट करना है। अभी जैसे यहाँ पे तीन पैरामीटर्स क्रिएट किए गए हैं। ये पैरामीटर्स क्रिएट कैसे करेंगे, अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ इसको। मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ इन पैरामीटर्स को ताकि मैं दोबारा दिखा सकूँ आपको बना करके। राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट पे क्लिक करना है। फर्स्ट जो पैरामीटर ले रहे हैं हम, मेन डाया लिया। मेन डाया मैं कह रहा हूँ मेरा 20 है। इसके बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर क्रिएट करना है वो लेना होता है हमें स्लॉट्स। स्लॉट्स मैंने कहा 150 mm का है। ऐसे थर्ड जो पैरामीटर क्रिएट करना है वो हमने कहा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के अंदर हम लोग जो वैल्यू को डिफाइन करने वाले हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कहा कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है वो 2 है। हमने तीन पैरामीटर्स क्रिएट कर लिए। अब तीनों पैरामीटर्स क्रिएट करने के बाद इक्वेशन हमें अप्लाई करना है। इक्वेशन यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमें टाइप करना है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, SD3 इक्वल टू मेन डाया, मेन डाया उसके बाद फिर प्लस साइन स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट ट्रेज पार इंटू 360 इंटू स्लॉट्स स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करना है इंटू एम्पलीट्यूड, कैपिटल में लिख लेते हैं इसको, इंटू एम्पलीट्यूड। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो वो पैरामेट्रिक फीचर्स अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। अप्लाई करने के बाद हमें स्केच में जाना है और स्केच को कंप्लीट करना है। स्केच कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ डिफाइन तो हो गया बट ये बहुत ज़्यादा छोटा है क्रॉस सेक्शन, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शन को वेरी कर सकते हैं या इस प्रोफाइल को छोटा कर सकते हैं, और भी जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। अगर क्रॉस सेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो क्रॉस सेक्शन चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस प्रोफाइल को चेंज कर रहा हूँ, प्रोफाइल की साइज को कम कर रहा हूँ। स्केच में गया, एडिटिंग में गए। एडिटिंग में जाने के बाद मैंने इस सेक्शन को चेंज कर लिया। मूव एंड रिसाइज में गया और मैंने कहा ये वैल्यू है 0.4, 40% एक्चुअल साइज का। जैसे हम डन करेंगे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बन के तैयार हो गया। लेकिन ये जो बना है ऑब्जेक्ट हमारा वो सॉलिड है, हमें हॉलो बनाना है। तो हॉलो के लिए हमें यहाँ से
थिकन ऑप्शन यूज करना है। जैसे आप थिकन ऑप्शन यूज करेंगे, आप देख सकते हैं कि होलो क्रिएट हो गया। आप यहाँ से थिकनेस को डिफाइन कर सकते हैं। मैंने कहा 1 mm थिकनेस चाहिए मुझे, मैंने 1 mm थिकनेस डिफाइन किया, उसके बाद डन किया। जैसे आप डन करेंगे तो आपका थिकनेस के साथ में तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं हॉल्स आपका तैयार हो गया है।